नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बड़ी खबर बताने जा रहे हैं आपको और खबर जुड़ी है एक पूर्व आईएएस अधिकारी से जिन पर करोड़ों के गबन का आरोप है और अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। चाहे आपने पहले भ्रष्टाचार का काम किया हो, पहले भ्रष्टाचार में लिप्त होकर करोड़ों का गबन किया हो, करोड़ों कमाए हो, या फिर अभी कार्य करते हुए आपने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया हुआ है या कर रहे हैं, तो ऐसे में लगातार एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है और किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। आप समझिए, पूर्व आईएएस अधिकारी हम एसएम राजू की बात कर रहे हैं जिन्हें अब गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। यदि मामले को हम आपको विस्तार से बताएं तो बिहार में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई हुई है। विजिलेंस की टीम ने गबन के आरोपी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसएम राजू को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महादलित विकास मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर रहते हुए इन्होंने विभिन्न योजनाओं के लिए आई करोड़ों रुपए की राशि का गबन किया है। वर्ष 2017 में पूर्व आईएएस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद लगातार इस मामले की जांच चल रही थी। अब इनके खिलाफ जो है, इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। इसमें 4 लोग आईएएस अधिकारी हैं और इनका नाम भी शामिल था, तो इन पर कार्रवाई हुई और अब इन्हें जेल भेज दिया गया है। हालांकि इन्होंने जमानत याचिका भी डाली थी लेकिन वो नामंजूर कर दी गई और अब इन्हें हवालात की हवा खानी होगी। देखिए, जांच के दौरान एसएम राजू पर कई आरोप लगे थे। साल 2017 में जब एसएम राजू पटना में बिहार महादलित विकास मिशन के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर थे तो उनके खिलाफ सरकारी राशि के गबन और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में पटना के स्पेशल कोर्ट में इन्होंने सरेंडर भी किया था। तब निगरानी के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरेंडर करने के साथ ही उनको 20 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दिया गया था। विजिलेंस के मुताबिक सभी आरोपियों ने महादलित विकास मिशन के तहत सरकारी योजनाओं में करीब 2 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। देखिए, अब बार बार सेवा शर्त पर बदलकर सरकारी पैसे का इन्होंने बंदरबांट किया है, इसका भी आरोप है और इसी के तहत अब कार्रवाई हुई है, तो बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व आईएएस अधिकारी है एसएम राजू और इन पर जो है शिकंजा कसा है विजिलेंस की टीम ने, और इन पर चूंकि 2017 से ही इस मामले की जांच चल रही थी, करोड़ों के गबन का मामला था, और अब जबकि इस मामले में सत्यता हो गई, पुष्टि हो गई इसकी, तो अब इन्हें जेल भेज दिया गया है। कहा जाता है कि जांच अधिकारी ने रिपोर्ट में कहा था कि मिशन कार्यालय ने स्पोकन इंग्लिश सहित विभिन्न 20 ट्रेंड में प्रशिक्षण देने के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें 203 प्रस्ताव आए थे। दलित बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए 6 एजेंसी चयनित हुई थी लेकिन ब्रिटिश लिंग्वा को 13 जिलों में काम दिया गया। इंडियाकन और आईएम लिमिटेड को 11-11 और बाकी 3 कंपनियों को 1-1 जिले में काम मिला। इसके साथ ही ब्रिटिश लिंग्वा को लाभ पहुंचाने के लिए सेवा शर्तों में बार बार बदलाव कर सरकारी पैसे लिए गए और उसका बंदरबांट किया गया। तो ऐसे में एसएम राजू जो है अब फंस गए हैं और उन्हें अब जेल की हवा खाने के लिए लाल घर में डाल दिया गया है। तो बड़ी खबर प्रशासनिक खेमे से, हालांकि प्रशासनिक खेमे से जुड़े रहे हैं लेकिन इन पर इतने बड़े बड़े आरोप लगते रहे हैं कि ये पहले से भी कई मामलों में वांछित रहे हैं। वांछित कहने का मतलब ये है कि कई बार इन पर कई आरोप लग चुके हैं और उस मामले में आपने देखा था कि इसी मामले में पिछले दिनों उन्होंने कोर्ट में सरेंडर भी किया था, उसके बाद जमानत याचिका डाली थी लेकिन वो याचिका जो है जमानत की खारिज हुई और जेल भेज दिए गए हैं और इन पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।